प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस समय प्यार के साथ आप लोग मेरे वीडियो को, प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए कोट कोट धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग इसी तरीके से मेरे वीडियो प्रोग्राम को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपको कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त कराऊं। कुंडली के हर विषय, हर ग्रहों के उतार चढ़ाव, भाव, राशि, क्या प्रभाव, क्या हानि देता है, ये बताऊं। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, फिर भी मैं बोल देता हूं, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, ये मोबाइल नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो आप मुझसे करिए, मैं फ्री सेवा कर दूंगा। कोई मित्रगण अगर अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, उसके लिए कुछ फीस आपको देना होगा, फीस देंगे तो पूरा विवेचन कर दूंगा। आज बहुत अच्छा कुंडली आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, गुरु शुक्र की युक्ति। बहुत से कुंडलियों में गुरु शुक्र की युक्ति है, लोग भ्रमित रहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि गुरु शुक्र आपस में मित्र नहीं है, दोनों ग्रह स्वतंत्र हैं। एक ऐसो आराम का साधन देता है, एक प्रशासनिक अधिकारी राजा के समान सुख देता है। मगर दोनों के अगर युक्ति है तो मैं लग्न से लेकर 12 भाव का प्रभाव बता रहा हूँ। जिसके कुंडली में लग्न में गुरु शुक्र की युक्ति है, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, उन्हार होते हैं, इनमें कार्य करने की क्षमता होती है। परंतु ऐसे लोग सेक्सी विचार के होते हैं, ऐसे लोग शौकीन मिजाज के होते हैं, इसलिए अवसर का पूरा लाभ नहीं ले पाते। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग धन जन से संपन्न होते हैं, बहुत अच्छी उन्नति करते हैं, बहुत आगे निकलते हैं, अपने नाम से पहचाने जाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग माता पिता से अच्छा धन पाते हैं, भाई बंधुओं से अच्छा धन पाते हैं, ऐसे लोग बचपन से तेजस्वी होते हैं, पराक्रमी होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में गुरु शुक्र की युक्ति है, क्या बात है दोस्त, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, नेता बनते हैं, ऐसे लोग राजा के समान सुख पाते हैं, अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से पाँचवें भाव में गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग इच्छानुसार शिक्षा पाते हैं, पूर्ण विद्वान होते हैं, ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, कलाकार होते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, ऐसे लोग का चरित्र खराब नहीं होता, कभी जेल नहीं जाते, न शत्रु इनका बिगाड़ पाता। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग शौकीन मिजाज के होते हैं, महिला है तो शौकीन पति पाती है, पुरुष है तो शौकीन महिला पाता है, ऐसे लोग ऐसो आराम का जीवन, सेक्सी विचार, सुंदर भोजन, सुंदर बस, सुंदर आवास के शौकीन होते हैं तथा इसकी पूर्ति भी होती है। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में गुरु शुक्र की युक्ति हो, दोस्तों ये अच्छा नहीं है, आपको सर्दी खांसी का कष्ट देगा, हड्डी संबंधी रोग देगा, ऋण संबंधी रोग देगा, स्वास्थ्य के कारण ऐसे लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग छोटे से अवसर को बहुत ऊंचा बनाते हैं, ऐसे लोग के उद्योगपति होते हैं, व्यापारिक होते हैं और अपने व्यापार के द्वारा अपना जीवन जीते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में शुक्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, व्यापार में घाटा खाते हैं, नौकरी में पदोन्नति नहीं होती और सस्पेंड हो जाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश से नाम कमाते हैं, ऐसे लोग कई व्यापार के मालिक होते हैं, ऐसे लोग छोटी सी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, अधिकारी भी इनका सम्मान करते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश की यात्रा करते हैं, कई बार विदेश जाते हैं, ऐसे लोग केमिकल, जवाहरात, धातु संबंधी व्यापार करते हैं और इनका जीवन पूर्ण सफल रहता है, चौथापन इनका सुखदायी जाता है। ये छोटा सा वीडियो
गुरु शुक्र की युक्ति कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या लाभ क्या हानि देता है, ये आपके सामने मैंने रखा, इसको सुनिए। इसे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूँगा। इतना करके वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।